सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल आस्था का भी है। सवाल ये है कि जिस सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसे महमूद गजनवी ने तहस नहस करने का दुस्साहस किया था, जिसे औरंगजेब ने निशाना बनाया था, अगाध हिंदू आस्था के इस केंद्र में भला कोई आस्तिक कैसे अल्लाह की सूरत देख सकता है। ये संत समिति कांग्रेसी नेता के इस बयान का तीव्र निषेध करती है। अरे यही तो दंश है, यही तो पाप है जो महमूद गजनवी ने किया था। शर्म नहीं आती है इन कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके का बयान देते हुए। अरे भारत के कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। इन सवालों का जवाब शायद इंद्रनील राजगुरु के पास भी नहीं था, इसलिए जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि बयान से कितना नुकसान हो सकता है, उनकी सफाई भी सामने आ गई। ईश्वर एक ही है, जैसे हमारे मुरारी बापू भी बोलते हैं, वो भी अल्लाह का नाम लेते हैं। तो मैं कहूँ तो बस कांग्रेस ही, उस लिए मैं ब्राह्मीण हूँ, समाज को दिशा देना मेरा काम है, तो वो दिशा में दे रहा था। मैं मुस्लिमों को बोल रहा था कि आपके आपके और मेरे ईश्वर एक ही है, महादेव और अल्लाह एक ही है। इतिहास में दर्ज है कि बाबा सोमनाथ का धाम आक्रांताओं के निशाने पर रहा है। इतिहास में दर्ज है कि हमलावरों ने महादेव के इस मंदिर का नामोनिशान मिटाने की साजिश की, कोशिश की, लेकिन आस्था हर बार आक्रांताओं पर भारी पड़ी। आजादी के बाद सरदार पटेल के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। आज ये पवित्र मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में बसता है, इसलिए चुनावी बुखार में तप रहे गुजरात में बिना सियासी चश्मे के किसी को सोमनाथ मंदिर में अल्लाह की छवि नजर आए, ये सोचना जरा मुश्किल। गुजरात में पहले